ये केक पीयूष का जो है, और ये भाई ने और भाभी ने पीयूष को जन्मदिन पर केक भेजा है, और पीयूष केक काट रहा है। भाभी ने भेजा है जिस पे लिखा है देवर जी, और एक भाई ने भेजा है जिस पे लिखा है पीयूष। आ जा अभी, जब तुमको कहा ये गेट थी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहला केक काट रहे हैं देवर जी वाला। पहला केक कौन सा काट रहा है? पहले देवर जी वाला जो दिखा हुआ, देवर जी वाला जो इसकी भाभी ने भेजा है तरीके से। आगे आगे आ रही है यहाँ पे की। ये देखिए पीयूष ने केक काट लिया है, और उनको बधाई देने और पीयूष का केक कटवाने के लिए मेरा एक मिनट रुक जाओ, पीछे का गंदा गंदा हो रहा है। साफ कर दे। हैप्पी बर्थडे टू यू पीयूष। खिला भाई उनको, और वो खिला भाई जतिन, आओ और वो आओ, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वहाँ बैठो। बैठ नीचे, बैठ बैठ के खिला ना। दोनों भाई एक दूसरे को केक खिलाते हुए, जतिन बागड़ी और पीयूष बागड़ी भाई। उनके गया ना, हर्षित को खिलाओ भाई, हर्षित खिला। तू भी खा, किसको खिला? था उसमें साफ नहीं आई, नहीं थी भी आई है मेरी। आई है। दोस्तों केक कट चुका है और पीयूष का, अब मैं कट करूंगी। अब ये इनकी मम्मी है, ये अपना सबको वितरण करेंगी केक काट के। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओ दोस्तों आज है तारीख, कितनी तारीख थी आज? 3। आज 3 मई है ना, 3 मई 2024, और दिन है आज, आज दिन क्या है? हाँ वीरवार है दिन, सुने ही, हाँ शुक्रवार है, शुक्रवार आज दिन है शुक्रवार का। और हमारे पीयूष का जन्मदिन हो चुका है, और 10:30 बजे इसने केक काटा है। वेट करते रहे सारा दिन, कहाँ है कहाँ है, कहीं गए हुए थे। और हमारे हमारे जतिन बाबू को भी टाइम नहीं था, वो दुकान पे बैठे हुए थे। कप्तान ने भी अपने एक बातों को, और ये क्या नाम है, विक्की विक्की माहौर जी आए हुए हैं पीयूष को बर्थडे विश करने के लिए, और इंजॉय कर रहे हैं अभी, ये इनके साथ ही थे कहीं। दोस्तों आज सुबह मुझे भी आमंत्रित किया गया था हमारे जो नंदनगरी की
विशाखा जी हैं मंडल अध्यक्ष बीजेपी से, उन्होंने मुझे कॉल किया था कल, लेकिन मेरे पेट में इन्फेक्शन होने के कारण तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं सुबह जा पाया। आज सुबह जो है माननीय सांसद मनोज तिवारी जी नंद नगरी क्षेत्र में जनता से मिलने आए थे और उन्होंने रैली निकाली, उसके लिए मुझे भी जाना था, पर समय बड़ा बलवान है। सुबह मॉर्निंग से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं नहीं जा पाया, उसके लिए खेद है।